आज भी तिहरबा से शुरू जन स्वराज यात्रा में शामिल होने सारण के निर्दलीय एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चंपारण के लिए प्रस्थान किए। इस मौके पर एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि बिहार के राजनीतिक असली मुद्दे गायब हो गए हैं। आम लोगों के जन समस्याओं पर बात करने के बजाय जाति और पार्टी के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिससे बिहार का विकास नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने जनता के असली मुद्दों को टटोलने का जो यह शुरुआत किया है, इसके दुर्गामी परिणाम होंगे कि बिहार के लोगों के विकास के लिए उनकी जन समस्याओं को नजदीक से देखना है और उनके समाधान के कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से शुरू इस जन स्वराज यात्रा में शामिल होकर बिहार के विकास की नई कहानी लिखी जाएगी और इसमें हमारा योगदान होगा। सर, जन स्वराज यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर जी करीब 4-5 महीने पहले मई के महीने में उन्होंने जन स्वराज की घोषणा की थी। जन स्वराज का मतलब होता है पब्लिक गुड गवर्नेंस, जनता के माध्यम से सामूहिक प्रयास से जो गवर्नेंस का जो असल अर्थ होता है, जिसमें सही मुद्दों पर चर्चा होती है, सही मुद्दों पर काम किया जाता है, उसको उठाने का काम प्रशांत जी ने शुरू किया है। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा है पिछले 4-5 दशकों से, जब से मैंने होश संभाला है, कि बिहार में असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। धर्म की चर्चा होती है, जाति की चर्चा होती है, जातियों को उपजातियों में बांटने की चर्चा होती है, दलित महादलित की बात होती है, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात होती है, अगड़ा पिछड़ा की बात होती है, लेकिन कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं करता, कोई आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं करता, पलायन रोकने की बात नहीं करता, युवाओं की बात नहीं करता, महिलाओं की बात नहीं करता, बच्चों की बात नहीं करता। जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो निश्चित रूप से कुछ लोग तो जहाँ तहाँ प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं भी अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये मुद्दे ऊपर रहे, लेकिन एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी। सही लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, सारे सही लोगों को इकट्ठा करना, सही सोच के साथ इकट्ठा करना और सामूहिक प्रयास करके पूरे बिहार को एक गति देने की बात जो है, आगे बढ़ाने की बात जो है और असली मुद्दों पर चर्चा करने की बात जो है, वही जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आज गांधी जयंती के दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी प्रशांत जी ने, आज भी तिहरवा गांधी आश्रम में पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू होगी। उन्होंने घोषणा किया है कि बिना किसी वाहन पर चढ़े 3 से 3,500 किलोमीटर जो लगेगा सारे पंचायतों तक घूमने में, बिहार में 9 महीना लगे, 10 महीना लगे या 12 महीना लगे, वो हर जगह जाएंगे और जाकर ये जागरूक करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज के सही सोच वाले लोग, सही लोग, युवा, महिला, बच्चे, ये सब उससे जुड़े और जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। सरकार जिसकी भी हो, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन मुद्दे जो हैं वो असल होने चाहिए। ये नकली मुद्दों पर बिहार अब बहुत दिन तक चल नहीं सकता, उसी को बदलने का एक प्रयास है। मतलब जो दिग्भ्रमित करने के लिए मुद्दे समाज में लाए गए हैं, बिहार में लाए गए हैं, उससे हटके जो रिलेवेंट मुद्दे हैं उस पर बात, बिल्कुल जो सही मुद्दे हैं जिससे हमारे जीवन में फर्क पड़ता है, हम स्वस्थ रहेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, हमें शिक्षा मिलेगी, हमें उचित शिक्षा मिलेगी, देखिए स्कूलों का क्या हाल है, देखिए अस्पतालों का क्या हाल है, ये सब असली मुद्दे तो यही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान न जाए इसीलिए बेकार के यहाँ वहाँ के मुद्दे बात करके, ठीक है आरक्षण आवश्यक है, लेकिन क्या आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है कि बस उसके आगे कोई मुद्दा ही नहीं रहा? जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।